हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्पाइस ऑफ द वीक का सेट 28। दोस्तों, स्पाइस इनिशिएटिव StudyIQ का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें हम डिस्कस करते हैं सिविल सर्विसेज मेंस आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग को और बेहतर बनाने के लिए मटीरियल। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 28वां सेट है जो कि 8 से 13 अप्रैल के अखबारों से लिया गया है। ये है मेरी इंट्रोडक्शन और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है jindal@mohit। दोस्तों, ये हैं हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज। आप घर बैठ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे और दिए गए नंबर्स पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह शुरू करेंगे एक डेफिनेशन से, बढ़ेंगे एग्जांपल्स की ओर, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस एट्सेट्रा। फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स देखेंगे जो न्यूज़ में रहे, कुछ बिग आइडियाज़, और फाइनली हम कोटेशंस किसी एक टॉपिक पे, उससे हमें सेट का एंड करेंगे। शुरू करेंगे डेफिनेशन से। तो दोस्तों, यहाँ बताना चाहूँगा कि इस महीने यानी कि अप्रैल का जो पहला सेट था, इससे पिछला सेट जो था उसमें भी हमने पॉलिटी रिलेटेड फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी थी, और इस हफ्ते हम देखेंगे रीजनलिज्म की डेफिनेशन। तो रीजनलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और रीजनलिज्म का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। रीजनलिज्म बेसिकली क्या होता है? रीजनलिज्म बेसिकली ये होता है कि एक रीजनल आइडेंटिटी का एक आइडिया डेवलप होता है कि आप एक रीजन को बिलोंग करते हैं। मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो आपस में ऐसा बिलीव करने लग जाएं कि हाँ, हम एक अलग रीजन में बिलोंग करते हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। और ये लैंग्वेज से भी आ सकती है, ये वहाँ के कल्चर से भी आ सकती है, ये किसी रिलीजन से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का डेवलप होना, ये कॉन्शियसली सोचना कि हाँ, हम एक अलग समुदाय हैं, हमें एक अलग आइडेंटिटी है हमारी, और इस आइडिया के डेवलप होने के बाद इस आइडिया का पोलिटिसाइजेशन हो जाना, मतलब राजनीतिकरण हो जाना, कि जब ये ग्रुप अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन में बिलीव करे कि भाई, हम अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है, हमें एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन में, ऐसा जब ये ग्रुप बिलीव करने लग जाता है, तब हम इस भावना को, इस पूरे प्रोसेस को हम रीजनलिज्म बोलते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी है बेसिकली, कि एक रीजनल आइडेंटिटी का डेवलप होना ऑन द बेसिस ऑफ आइदर लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ठीक है, और उस आइडेंटिटी का पोलिटिसाइजेशन हो जाना, मतलब कि वो कम्युनिटी का ये बिलीव करना कि वी हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सिंपली रीजनलिज्म बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें, वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, आज की प्रेजेंट डे जो स्टेट्स हैं, वो एक टाइम पे अभी भी बहुत स्ट्रांग रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं। या फॉर दैट मैटर सदर्न की जो, साउथ की जो चार स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ये सब स्टेट्स की भी रीजनल आइडेंटिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग हैं। सिमिलरली नॉर्थ में पंजाब की एक रीजनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारी रीजनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अपने आप को असर्ट करती हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब रीजनल आइडेंटिटीज़ से इंडिया ने कैसे टैकल किया, हम ये यहाँ पे जानते हैं। तो हाउ इंडिया नेगोशिएटेड विद दीज रीजनल आइडेंटिटीज़, बहुत सिंपल आंसर है, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिससे रीजनलिज्म को टैकल किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल और यूनिटी फीचर्स का एक मिक्सचर है, मतलब कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। जो फेडरल फीचर्स हैं वो स्टेट यूनिट्स को, मतलब जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, उनको एम्पावर करते हैं, कुछ पावर्स उनको डिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और यूनिटरी फीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर पावर को थोड़ा अक्यूमुलेट करते हैं। तो इनके बैलेंस से रीजनल आइडेंटिटी एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि अगर यूनिटरी फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, तो रीजनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो एक तरह से रिवोल्ट कर सकती हैं, वो अपोज करेंगी इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को। क्योंकि पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, तो रीजनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं अपीज या एक बैलेंस में रहती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का मिक्स है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम रीजनलिज्म को टैकल करते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 3 बेसिकली ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ऑल्टर कर सकती हैं। सेंटर कैन ऑल्टर बाउंड्रीज विदाउट स्टेट्स परमिशन। दिस प्रोविजन निप्स रीजनलिज्म इन द बड, ठीक है।
क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है बगैर परमिशन के, तो कहीं ना कहीं रीजनल आइडेंटिटीज को ऑल्टर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन ऑफ द स्टेट्स. तो इस आर्टिकल 3 के तहत ये कहा जाता है कि नथिंग इज नेचुरल, नथिंग इज परमानेंट. मतलब कोई भी रीजनल आइडेंटिटी या जो स्टेट बनी है, आपको पता है हमारी जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी या जो हमारी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुई, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुई. ठीक है, तो रीजनल आइडेंटिटीज़ कहीं ना कहीं वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनी हुई थी. ठीक है, जिसके अलॉन्ग वो असर्ट कर रहे थे. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पंजाब में जो रीजनल आइडेंटिटी रिलीजन की थी, सिखिज़म की, क्योंकि वो अपना एक अलग खालिस्तान डिमांड कर रहे थे, तो वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी रिलीजन के बेसिस पे बनी. आज की जो प्रेजेंट डे आइडेंटिटी है वो रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर का एक मिक्सचर ऑफ है इन तीनों चीज़ों का, जिससे वो आइडेंटिटी बनी है. तो रीऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट ये है कि यूनिटरी और फेडरल फीचर्स का मिक्सचर होना. दूसरा पॉइंट ये है आर्टिकल 3, जिससे हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरे देश को. और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे हम रीजनलिज्म को टैकल करते हैं, वो है 8th शेड्यूल, जो कि हमारा इंडियन लैंग्वेजेस का शेड्यूल है. आपको पता है कि आइडेंटिटीज़ को शेप करने में लैंग्वेज का बहुत प्रोमिनेंट रोल है. ऐसे में इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो इंडिया ने किस तरीके से टैकल किया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन. तो इंडिया ने 8th शेड्यूल के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस रखी हैं जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं. और ये जो लिस्ट है वो पिछले कुछ दशकों में एक्सपैंड होती चली गई हैं, नई नई लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं इसमें. तो इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग वन नेशनल लैंग्वेज, इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन किया 8th शेड्यूल की फॉर्म में, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि रादर देन हैविंग वन नेशनल लैंग्वेज, वी विल हैव अ शेड्यूल ऑफ 22 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. तो इससे जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, क्योंकि अगर आप एक नेशनल लैंग्वेज इम्पोज कर देंगे, क्योंकि जब बात हो रही थी उस टाइम पे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें, तो सदर्न स्टेट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे इसके अगेंस्ट. ठीक है, तो क्योंकि आप इतने बड़े देश के अंदर एक नेशनल लैंग्वेज अगर आप रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रीजनल आइडेंटिटीज़ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो ये 8th शेड्यूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज हैं. और इंग्लिश और हिंदी का जो स्टेटस है, इट इज़ सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री रिव्यू एवरी 10 ईयर्स. और क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रिव्यू इसका हर 10 साल बाद होता है, दिस हैज़ अलाउड कि भाई इंग्लिश और हिंदी जो है वो उसका कंटिन्यूस यूज़ और जो एक्सेप्टेंस है वो चलती रहती है विदाउट गिविंग देम अ परमानेंट एंड इररिवोकेबल स्टेटस. क्योंकि अगर हम इंग्लिश थोप देंगे सब पे, तो जो नॉर्दर्न बेल्ट है, स्पेशली जो काउ बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सदर्न स्टेट्स फिर भी इंग्लिश में बेटर अडेप्ट हैं. ठीक है, और वैसे ही अगर आप हिंदी कर देंगे, तो सदर्न स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनकी अपने अपने लैंग्वेज लिंग्विस्टिक हिस्ट्रीज हैं जिनकी, क्योंकि कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल है, अब तमिल, मलयाली, ये सब क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इनकी जो हिस्ट्री है, इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं हिंदी से भी और ज़्यादा डीप है, और ज़्यादा रिच है. ठीक है, तो ऐसे में तमिलियंस जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आप हिंदी जो है वो हम पे आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से, एक फेडरलिज्म के फीचर्स, रीऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 3 और 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस का, ये तीन प्रोमिनेंट या मेन टूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टूल्स हैं जिनसे हमने रीजनल आइडेंटिटी को नेगोशिएट किया, उसको हमने एक बैलेंस बना के रखा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है. थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बताया है यहाँ पे, लेकिन इसीलिए बताया कि आपको ये इशू जो है, जो रीजनलिज्म है, वो अच्छे से समझ में आए. इंडिया के अंदर जो रीजनलाइजेशन है इंडियन पॉलिटिक्स की, उसका दो मतलब होता है. तो रीजनलिज्म एक चीज़ है, वो तो एक तरह से आइडियोलॉजी है, लेकिन जो इसका एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में, वो दो फॉर्म में दिखता है. पहला, ये कुछ ऐसे पार्टीज़ या रीजन्स जिनका रीजनल एजेंडा है, और वो ऐसा रीजनल एजेंडा है जो कि नेशनल आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, जो पुरानी नागा मूवमेंट चल रही थी, अब तो नागा मूवमेंट काफ़ी मेन स्ट्रीम के अंदर आ गई है और वो अग्रीमेंट्स हो गए हैं. ठीक है, तो एक ये चीज़, फिर दूसरी कश्मीर की जो मूवमेंट है, तीसरी आप कह सकते हैं जो नक्सलाइट्स मूवमेंट है, हालांकि वो एक क्लास मूवमेंट है, वो एक आइडेंटिटी मूवमेंट, रीजनल आइडेंटिटी मूवमेंट नहीं है वो. ठीक है, और तीसरी जो है आपकी जो खालिस्तान की जो मूवमेंट थी सिखिज़म की, बेसिकली वो एक ऐसी मूवमेंट, ऐसा रीजनल एजेंडा था जो कि नेशनल आइडेंटिटी को ही थ्रेटन कर रहा था. ठीक है,
तो ये जो पहला पॉइंट है रीजनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये कहीं ना कहीं अब 70-75 साल बाद एक बार टैकल हो चुका है, ठीक है। अब इस तरह की रीजनल आइडेंटिटीज़ या एजेंडाज़ नहीं हैं जो कि नेशनल आइडेंटिटी को ही थ्रेटन कर रही हूँ। दूसरा जो एक्सप्रेशन है रीजनलिज्म का इंडियन पॉलिटिक्स में, वो ये है कि जो पार्टीज़ हैं अलग अलग रीजन्स की, वो नेशनल आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं करती हैं, लेकिन वो फेडरलिज्म और पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। जो कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा है, ठीक है, तो कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा बेसिकली क्यों आया, क्योंकि जो नेशनल पार्टी थी इंडियन कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं स्टेट्स में वीक हुई, स्टेट्स की रीजनल आइडेंटिटीज़ जो हैं, जो उनके एजेंडाज़ हैं, वो स्ट्रांग हुए। तो ये जो एजेंडाज़ हैं, जो कोलिशन पॉलिटिक्स हैं, ध्यान रहे, ये नेशनल आइडेंटिटी को थ्रेटन नहीं करती हैं, ये रीजनल आइडेंटिटी को और बूस्ट करती हैं, उनके इश्यूज़ को और लाती हैं, और हमारा जो फेडरलिज्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो और स्ट्रांग होता है। तो सेकंड ट्रेंड इज़ अ गुड ट्रेंड, बट जो फर्स्ट ट्रेंड है वो एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं टैकल भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये है रीजनलिज्म के डिस्कशन। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, पॉलिटी रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले जुडिशरी के अंदर RTI एप्लीकेशन पे काफ़ी कुछ चल रहा है, आपको पता ही है, केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। तो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, और इसलिए वो RTI एक्ट के अंदर आता है। तो इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है जजेस के एसेट्स की, दैट कुड बी रिक्वेस्टेड बाय द पब्लिक थ्रू एन RTI एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में बताया गया था। तो इस जजमेंट के अंदर जो जस्टिस रविंद्र भट्ट थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया था, जिसके लिए मैंने ये न्यूज़ जो ये है यहाँ पे डाला है एज स्पाइस, क्योंकि आप इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं अपने एस्से में या RTI रिलेटेड क्वेश्चन में। तो जानते हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा दैट RTI वॉज अ पावरफुल बीकन विच इल्यूमिनेट्स अनलिट कॉर्नर्स ऑफ स्टेट एक्टिविटी एंड दोज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ विच इम्पैक्ट सिटीजन्स डेली लाइव्स टू विच दे प्रीवियसली हैड नो एक्सेस। तो RTI जो है वो सिटीजन्स को उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देती है जो कि उनको प्रीवियसली अनअवेलेबल थी, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कही रविंद्र भट्ट ने उस जजमेंट में, वो ये कही, ऑल पावर, जुडिशियल पावर बींग नो एक्सेप्शन, इज हेल्ड अकाउंटेबल इन अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल पावर्स जो हैं, जो सारी पावर हैं, इंक्लूडिंग द जुडिशियल पावर, मतलब जुडिशियल पावर इज़ नो एक्सेप्शन, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इन अ मॉडर्न एक्सेप्शन। कि जब हम कहते हैं कि हु विल जज द जजेस, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं RTI की डिस्कशन जो है वो पिवट होती है, कि जुडिशरी जो कि ट्रांसपेरेंसी की इतनी कोशिश करती है अलग अलग स्टेट एक्टिविटी में, वो जब उन पर खुद पर बात आती है तो वो इतने ओपेगली ऑपरेट क्यों करते हैं, ये एक सवाल है, ठीक है। तो जुडिशरी में RTI एप्लीकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, ये मेंस में भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि जुडिशरी में RTI की एप्लीकेशन जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके अराउंड कंट्रोवर्सी क्या है। ऐसे में आप ये जो कोटेशन है जो मैंने बताई, ये आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शंस की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो DD न्यूज़ है इसकी एक्टिविटी को कॉग्निजेंस में लिया, और ऐसा कहा कि जो DD न्यूज़ है वो प्रेफरेंशियल कवरेज कर रहा है ऑफ़ द पार्टी इन पावर, ठीक है। तो कमीशन ने ऐसा पाया कि जो एयर टाइम कवरेज DD न्यूज़ लीडिंग जो रूलिंग पार्टी को देता है वो बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है, बहुत इम्बैलेंस्ड है। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको जो है वो एयर टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, उनकी कवरेज नहीं होती। तो इसी ने DD न्यूज़ को डायरेक्ट किया है कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें सब पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो इलेक्शन कमीशन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है उस पर इस तरह का सवाल उठाना और डायरेक्शन देना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है, जो कि आप अपने आंसर्स में, एस्से में आप ये साइट कर सकते हैं कि कैसे जनरल इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने DD न्यूज़ को ये कहा, और पब्लिक ब्रॉडकास्टर का एक क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड देखते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने किशोर चंद्र वांगखेम, जो कि एक जर्नलिस्ट थे जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर के तहत सेडिशन के लिए चार्ज किया था, उनकी रिहाई जो है वो कर दी है। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि किशोर चंद्र वांगखेम जो हैं, ये क्यों सेडिशन का इन पर चार्ज लगा था। बेसिकली एक केस हुआ था जहाँ पे ये जर्नलिस्ट जो हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है।
तो जो वहाँ की सरकार है मणिपुर की, उन्होंने इनको सेडिशन के अंदर चार्ज करके जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो मणिपुर हाईकोर्ट ने रिलीज ऑर्डर कर दिया है। काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ये। इससे रिलेटेड, सेडिशन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे तीन चार जजमेंट बताना चाहता हूँ, जो कि आप सेडिशन पे अगर सवाल आए तो आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द मियर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन अनलेस इट इज़ एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस और ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो केदारनाथ सिंह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको अब सेडिशन के लिए चार्ज नहीं कर सकते अनलेस वो अपने क्रिटिसिज्म से वायलेंस या पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच करना, इस चीज़ को इंसाइट कर रहा है, मतलब वायलेंस को इंसाइट कर रहा है अपनी उस स्टेटमेंट से, तब तक आप उसको सेडिशन के लिए चार्ज नहीं कर सकते। तो ये था पहला जजमेंट। फिर हम बात करते हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आया था, ब्रैंडनबर्ग वर्सेस ओहायो 1969। उन्होंने एक टेस्ट ले डाउन किया था सेडिशन के लिए, वो टेस्ट है इमिनेंट लॉलेस एक्शन टेस्ट। इमिनेंट लॉलेस एक्शन टेस्ट का मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि सरकार को लगता है सेडिशन है, उस पर उनको एक टेस्ट लगाना चाहिए। वो ये है कि क्या उस एक्टिविटी से इमिनेंट लॉलेस एक्शन, मतलब इमिनेंट वायलेंस या ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे उस जजमेंट में कहा, अगर वो इंसाइट करता है एक इमिनेंट लॉलेस एक्शन उसी जगह पे, तो आप उसको सेडिशन के लिए चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री स्पीच जो है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनलेस इट इंसाइट्स इमिनेंट नॉट रिमोट लॉलेस एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि इमिनेंट होना चाहिए वो लॉलेस एक्शन। ठीक है, इस जजमेंट के बाद, ब्रैंडनबर्ग वर्सेस ओहायो 1969 की जजमेंट के बाद, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2011 इस जजमेंट का मेंशन हुआ, अरूप भिवान वर्सेस स्टेट ऑफ असम और श्री इंद्रदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम। तो ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं इंडिया का भी लॉ ऑफ द लैंड है कि इमिनेंट लॉलेस एक्शन होना चाहिए, तब तक आप सेडिशन के लिए चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपहेल्ड किया। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं जो कि आप सेडिशन रिलेटेड या आर्टिकल 19 जब आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, इन सब में आप ये जजमेंट्स जो हैं और ये जो केस स्टडी है किशोर चंद्र वांगखेम की, ये आप कोट कर सकते हैं। कुछ और केसेस सेडिशन के जान लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने असीम त्रिवेदी जो कि कार्टूनिस्ट हैं उनको भी चार्ज कर दिया था सेडिशन के अगेंस्ट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी के उनको भी किया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो सिंगर कोवान हैं उनको भी सेडिशन के लिए चार्ज किया था। तो ये कुछ रिसेंट केसेस हैं सेडिशन के जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था दिसंबर 2018 में, यंग स्टार्टअप्स को लिस्टिंग के लिए इनकरेज कराने के लिए। लिस्टेड मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, ठीक है, और इक्विटी कैपिटल जो है वो पब्लिक से रेज करें फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने HDFC बैंक के साथ एक MOU साइन किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑन BSE's प्लेटफॉर्म ऑन दिस स्टार्टअप्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो HDFC बैंक के साथ ये इनका MOU है। तो मेन चीज़ ये बताने का पर्पस ये है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें आप ये एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टअप्स को इनकरेज करता है कि वो लिस्ट हों और मार्केट से वो पैसा उठाएं। आगे बढ़ते हैं, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज करने का एक काफ़ी प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट पे, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। तो इंडिजनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, OFP, इट हैंडेड ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ 6 धनुष आर्टिलरी गन्स टू द आर्मी। तो ये जो धनुष आर्टिलरी गन्स हैं ये इंडिजिनसली अपग्रेडेड वर्जन है बोफोर्स गन का। बोफोर्स गन बेसिकली स्वीडिश गन थी जिनका एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर। तो इनको 1980s में प्रोक्योर किया था और इन्हीं की अपग्रेडेड इंडिजिनसली अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। तो इसमें जो इंडिजनाइजेशन है रफली 80% अचीव हो चुकी है और बाय एंड ऑफ 2019 91% के आसपास इसकी इंडिजनाइजेशन हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ये डेवलपमेंट है, एग्जांपल की तरह यूज़ कर सकते हैं इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जब पूछते हैं कि धीरे धीरे हम कैसे इंडिजनाइज कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा।
लेकिन इसके साथ साथ ये तो गन्स हैं, हमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे रफाइल वगैरह हो गए, इन सब की टेक्नोलॉजी भी हमें धीरे धीरे इंडिया के अंदर लेके आनी है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान की जो एलीट मिलिट्री फोर्स है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है, कि डेजिनेट कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थी, मैं बताना चाहूँगा, 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था जब शाह ऑफ ईरान जो है उनको ओवरथ्रो कर दिया था आयातोल्ला खोमेनी ने, जो कि रिलीजियस क्लेरिक हैं वहाँ के, जो अभी एक तरह से सुप्रीम हेड आप कह सकते हैं ईरान के हैं। तो ये IRGC उस टाइम बना था जब 1979 का रेवोल्यूशन आया था, और इसका जो मिशन था IRGC का, वो बेसिकली क्लेरिकल रिजीम, जो बेसिकली रिलीजियस रिजीम है शिया, आपको पता है ईरान जो है वो मेजॉरिटी शिया देश है, तो उस रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गार्ड्स बने थे। तो USA का IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का जो इम्पैक्ट है, इससे कहीं ना कहीं और शार्प जो हैं हो जाएंगी फॉल्ट लाइंस मिडल ईस्ट की, और शार्प हो जाएंगी फॉल्ट लाइंस मिडल ईस्ट की, क्योंकि ईरान और इसराइल का जो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है जिसमें इसराइल को बैक कर रहा है US, और ईरान जो है, ईरान है और सीरिया है और रशिया है, ये इनका एक अलग एक्सेस चल रहा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो USA का जो स्टैंड है, जो कि वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के अंदर चाइना की प्रेजेंस की एक रीसेंट एग्जांपल। श्रीलंका ने अभी हाल ही में एक नई रेलवे लाइन जो है, जो कि उन्होंने चाइना की असिस्टेंस से बनाई है, उसको इनॉग्रेट किया। ये जो रेलवे लाइन है ये मतारा, जो कि वहाँ की एक कोस्टल सिटी है, वहाँ से लेके बेलियाटा जो कि हामनटोटा में है वहाँ तक ये जाएगी। इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ तो ये नीचे आप देख सकते हैं, लगभग 55 मिनट का रास्ता है, 32 किलोमीटर है मतारा से बेलियाटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कोलंबो और ये है मतारा और ये है बेलियाटा। तो ये जो रेलवे लाइन है और ये है हामनटोटा, जो कि पोर्ट एक तरीके से चाइना ने लीज कर लिया है फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी द्वारा लिया गया पहला रेलवे प्रोजेक्ट है अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसके अलावा दिस इज़ द फर्स्ट रेलवे बिल्ट आफ्टर श्रीलंका इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही पता नहीं किस स्पीड से चल रहे हैं ये लोग, कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली रेलवे लाइन ये बनी है और वो भी चाइना ने बनाई है। ठीक है, तो श्रीलंका जो है वो मेजर रेसिपिएंट ऑफ चाइना लोन्स एंड चाइनीज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लगभग $8 बिलियन के। इस हैवी बोरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डेट क्रिएट हो गया है और इस डेट को रीपे नहीं कर पा रहा श्रीलंका, और इसकी वजह से कोलंबो ने, मतलब श्रीलंका ने रिसेंटली हामनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को दिया 99 ईयर लीज पे। ठीक है, एज अ डेट स्वॉप, मतलब डेट के बदले उन्होंने ये जो आइलैंड है, जो पोर्ट है, वो चाइना को दे दिया है। तो ये चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम कहते हैं अराउंड इंडिया इन द इंडियन ओशन, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है ये जो डेवलपमेंट है। तो BRI पे जब सवाल आए, या चाइना इंडिया, या चाइना कैसे इंडियन ओशन के अंदर एनसर्कल कर रहा है इंडिया को, या इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स पे, तो वहाँ पे ये एग्जांपल जो है वो यूज़ हो सकती है। काफ़ी प्रिसाइजली आप मेंशन कर सकते हैं कि हामनटोटा के पास रेलवे लाइन जो है वो चाइना ने अभी, श्रीलंका ने रिसेंटली इनॉग्रेट करी है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। आपको पता है इंडिया जो है एक वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स बन रहा है सोलर सेल्स का वर्ल्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर हमें सेटअप करनी है। अभी तक हमने 28 गीगावाट कर ली है, और ये मोस्टली सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो कि इम्पोर्टेड सेल्स हैं उनसे हमने अचीव किया है। तो दोस्तों ये जो सोलर सेल के जो मॉड्यूल्स होते हैं ये बेसिकली अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, खासकर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, पॉलीमर्स, मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों से ये जो पूरे मॉड्यूल्स हैं वो तैयार होते हैं। और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली असेंबल करते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली इनटू मैन्युफैक्चरिंग दोज थिंग्स, बट वो सामान बाहर से ला के उनको असेंबल करते हैं उन मॉड्यूल्स को। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो सोलर वेस्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो 2050 तक इंडिया विल लाइकली स्टेयर एट अ पाइल ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दैट इज सोलर ई वेस्ट। और करंटली जो हमारे ई वेस्ट के रूल्स हैं उसमें सोलर सेल मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको ये मैंडेट नहीं किया जाता कि वो उन सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग या डिस्पोजल करें ठीक से।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप वेस्ट मैनेजमेंट में नोट कर सकते हैं, सोलर ई वेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बैंगलोर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ब्लॉकचेन का यूज़ कर रही है टू मैनेज इट्स ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। तो इससे उनका सिस्टम और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो जाएगा और डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कैप्टन मनीवनन जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं वहाँ के, उनकी जो फेलोशिप है जो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिली है उससे ये फंड होगा। ये एक एथिक्स की भी केस स्टडी हो सकती है कि ऑफ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट, ठीक है, एक ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एक ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, ठीक है। और इसकी वजह से, सिस्टम की वजह से ऑफिशियल्स पे भी कुछ प्रेशर पड़ेगा कि क्योंकि जब उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो लाइव ऑनलाइन दिखेंगी कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, प्रॉब्लम क्या थी, क्या उस और उस प्रॉब्लम के समाधान पे जिन्होंने प्रॉब्लम डाली थी उनका क्या व्यू है। तो ये जब सारा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बाहर दिखेगा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम डेवलप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही, ब्लैक होल की जो इमेज है वो सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने रिवील करी है और इस इमेज को फिल्म या डिटेक्ट किया है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने, जिसने बहुत बड़े बड़े सेंसर्स और लगभग 5000 टेराबाइट का जो डेटा है उसको यूज़ करके इस इमेज को कैप्चर किया है। और दोस्तों ये जो है गैलेक्सी जिसके अंदर ये ब्लैक होल है वो लगभग 54 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ये फोटोग्राफ कैसे लिया गया? ये फोटोग्राफ लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो ब्लैक होल है इट इज़ समथिंग विच डज नॉट रेडिएट लाइट। तो जो चीज़ अब लाइट रेडिएट नहीं करती अब उसकी फ़ोटो कैसे लेंगे? तो रादर देन कि वो ब्लैक होल पे फोकस करते, उसके अराउंड जो गैस थी जो कि इल्यूमिनेटेड थी, उस गैस की जो इमेज है वो ली गई और उस गैस पे जो शैडो था ब्लैक होल का वो देखा और वहाँ से हमें पता लगा कि ब्लैक होल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ये जो इमेज है ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी के थ्रू क्रिएट की गई है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे टेलीस्कोप्स को कंबाइन करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स को, टू क्रिएट वन जाइंट टेलीस्कोप। और इस केस में वो अर्थ के साइज जितना ये जाइंट टेलीस्कोप था। तो इससे जो हमें जो शैडो मिली है ब्लैक होल की, ध्यान रही है ब्लैक होल की शैडो है जो जिसकी इमेज मिली है, तो ये जो इमेज है इट कॉरस्पॉन्ड्स या कॉरोबोरेट्स द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ईएचटी जो इवेंट टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस हैं, दे आर इन लाइन विद व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन एंटिसिपेटेड। तो ये भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये साइंस की काफ़ी बड़ी एक एडवांसमेंट है, ह्यूमैनिटी के लिए भी काफ़ी बड़ी एडवांसमेंट है। आगे बढ़ते हैं, एथिक्स रिलेटेड अब एग्जांपल्स देखते हैं। करेज की एग्जांपल की बात करेंगे। वैशाली येडे जो कि 28 साल की एक विडो हैं ऑफ अ फार्मर हु किल्ड हिमसेल्फ इन 2011, उन्होंने वाशिम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो महाराष्ट्र की है वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और उनकी कैंपेन बहुत ही यूनिक है। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि वो जो पैसा है इलेक्शन से लड़ने का वो उनको वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक हफ्ते में लगभग 5 लाख रुपए जो हैं वो उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं। तो वैशाली येडे के जो पति हैं उनका देहांत होने के बाद, सुसाइड के बाद, इस तरह की इलेक्शन लड़ना ये सब करना ये बहुत ही एक करेज वाली बात है। तो एक करेज के अंदर केस स्टडी है वैशाली येडे की, आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई की बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आरटीआई रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है जिसमें आरटीआई रिक्वेस्ट में डिटेल्स मांगी गई थी ऑफ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर 4 वैकेंसीज इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये उन्होंने रिजेक्ट इसके बावजूद कर दी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाए और सीआईसी जो है वो आरटीआई की हाईएस्ट एपेलेट बॉडी है। तो दोस्तों सेंटर का ये डिसीजन लेना कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रावेंशन टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। और ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वी शुड वॉक द टॉक। हमें सिर्फ ये कहना नहीं चाहिए कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, लेकिन उसको लाने के लिए एक्चुअली हमें स्टेप्स भी लेने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आरटीआई को डाइल्यूट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी हाल ही में जो हुलियन असांज हैं, विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं, वो अरेस्ट हो गए हैं लंदन में। वो लंदन में इक्यूडोर के एम्बेसी में उनको असाइलम मिला हुआ था। तो वो असाइलम जो है वो एंड हो गया और उसके बाद जो वहाँ की ब्रिटिश फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, वो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है और अब उनकी मोस्ट प्रोबेबली
वो होगी, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे उन पे एक मुकदमा चल रहा है ऑफ लीकिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स उनको आज से लगभग 9 साल पहले इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग से मिले थे, ठीक है। तो ये एक एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक केस आप बना सकते हैं कि अचानक से इक्वाडोर का असाइलम कैंसिल कर देना, और ये जो क्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट्स हैं, विकी लीक्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक एथिकल कन्फ्लिक्ट है इनमें, कि एक तरफ से ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी पब्लिकली, मतलब एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जो कि पब्लिक को भी एक कहीं ना कहीं हक है उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने का। तो ये एक एथिकल डिलेमा भी है, इस पर एक प्रॉपर केस स्टडी भी बन सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डेटा पॉइंट्स देखते हैं। पॉलिटी में पार्लियामेंट रिलेटेड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये पाया है कि अभी के जो 521 सिटिंग एमपीज हैं लोकसभा में, उनमें से लगभग 430 के जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो करोड़पति एमपीज जो हैं वो हमारे इंडिया के हैं, और 83% ये फिगर बनती है। और ये तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है कि दैट मेक्स देम अ रिच पीपल्स क्लब गवर्निंग अ लार्जली पुअर कंट्री। एक काफ़ी लार्जली पुअर कंट्री के अंदर जो लोग रूल कर रहे हैं वो मेनली रिच लोग हैं, ठीक है। फिर एक डेटा पॉइंट देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी रिलेटेड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिनकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ इंडिया की, उन्होंने हाल ही के अंदर प्रोजेक्शंस दिए इकोनॉमिक ग्रोथ के, ग्लोबल और इंडिया के। ग्लोबल ग्रोथ के प्रोजेक्शंस थोड़े से डिम हैं, वो इस साल के जो हैं वो 3.3% है, पिछले साल जो थे वो 3.6 थे, और उससे पिछले साल 4% थे। तो धीरे धीरे ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, और इनके कुछ कारण बताए हैं गीता जी ने। तो इसके कुछ खास कारण हैं कि यूएस चाइना की जो ट्रेड टेंशन चल रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं टर्की और अर्जेंटीना में करेंसी को लेके, टाइटर क्रेडिट पॉलिसीज इन चाइना, और एडवांस्ड इकोनॉमीज में फाइनेंशियल टाइटनिंग होना। तो ये कुछ कारण हैं ग्लोबल ग्रोथ का जो स्लो डाउन है उसके। अब देखते हैं कि इंडिया रिलेटेड उन्होंने क्या कहा है। इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे पिकअप हो रही है। 2018 में 7.1%, 2019 में 7.3%, 2020 में 7.5%। इसके कारण कुछ दिए हैं, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रोबस्ट कंजम्पशन और मॉनेटरी पॉलिसी का एक एक्सपेंशनरी स्टैंस, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फिस्कल पॉलिसी से भी इम्पेटस। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके हैं। तो कोर यहाँ पे मेरे को ये बताना था कि जो फिगर्स हैं इसका आपको ध्यान होना चाहिए वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए विद सब्सटैंशियल ग्रोथ इन इंडियाज इंटरनेट कवरेज, इंडिया जो है वो यूट्यूब का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन गया है, विद 265 मिलियन इंडियंस वॉचिंग द वीडियो वेबसाइट एवरी मंथ। तो 265 मिलियन लोग जो हैं वो हर महीने यूट्यूब हमारा देखते हैं, यूट्यूब चैनल जो है। तो ये कहीं ना कहीं टीयर टू टीयर थ्री जैसे जैसे डेटा पैक सस्ते हो रहे हैं, डिजिटल डिवाइड जो है वो धीरे धीरे ब्रिज होगा। दोस्तों फाइनली हम अपने कोर्ट सेक्शन पे आ गए हैं। तो इस हफ्ते हम इनइक्वालिटी रिलेटेड कोर्ट्स की बात करेंगे। तो जस्टिस ब्रांडी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका एक कोटेशन है, वी कैन हैव डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री और वी कैन हैव ग्रेट वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू बट वी कांट हैव बोथ। या तो हम इस कंट्री में डेमोक्रेसी रख सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स रख सकते हैं, दोनों हम एक साथ नहीं रख सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है जस्टिस ब्रांडी का ये। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि यूएस के राष्ट्रपति थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, उनका एक कोटेशन है, द टेस्ट ऑफ अवर प्रोग्रेस इज नॉट वेदर वी एड मोर टू द अबंडेंस ऑफ दोज हु हैव मच, इट इज़ वेदर वी प्रोवाइड इनफ फॉर दोज हु हैव टू लिटल। हमारी जो प्रोग्रेस है उसका टेस्ट जो है वो ये नहीं है कि जिनके पास ऑलरेडी है उनमें उनको हमने और क्या दिया, बल्कि जिनके पास कुछ नहीं है उनकी हम भलाई के लिए हम क्या कर पाए। काफ़ी अच्छा है। फिर बढ़ते हैं प्लूटार्क जो कि एक ग्रीक थिंकर थे, फिलोसोफर थे। तो उन्होंने कहा, एन इम्बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेटल एलिमेंट ऑफ ऑल रिपब्लिक्स। तो रिच और पुअर का जो इम्बैलेंस है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट फेटल एलिमेंट है, मतलब प्रॉब्लम है ऑफ ऑल रिपब्लिक्स। फिर अमर्त्य सेन की कोटेशन है, आई बिलीव दैट वर्चुअली ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम इनइक्वालिटी ऑफ वन काइंड और अनदर। तो ये काफ़ी अच्छी कोटेशन है, काफ़ी सिंपल है। फिर
इंडिया पे महात्मा गांधी ने ये कहा कि ही वॉन्टेड नॉट अ पिरामिड बट एन ओशियनिक सर्कल ऑफ इक्वालिटी. इन सच अ सर्कल द लास्ट वुड बी फर्स्ट. इन फैक्ट देर वुड बी नो फर्स्ट एंड नो लास्ट. एंड द इंडिविजुअल सिटीजन नॉट अ प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वुड ऑक्यूपाई द सेंटर. बहुत अच्छा कोटेशन है. मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ पे अपना खुद दिमाग लगाएं, खुद इसको समझें गांधी जी ने क्या कहा. बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है समझने के लिए. और दोस्तों अब ये जो सेट है 28 उसकी वो ख़त्म होता है और मैं जल्द ही अगले हफ्ते नया सेट लेकर आऊँगा. बने रहें और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से. दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है. इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे. मेरा हैंडल है @JindalMohit. दोस्तों थैंक यू सो मच और वर्क हार्ड. और अगले साल की जो अब आने वाला जो प्रीलिम्स है उसकी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से तैयारी करें और एक पॉजिटिव माइंड से. थैंक यू सो मच.